गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज अवर लेक्चर नंबर 6, चैप्टर नंबर 11, एरिया एंड इट्स बाउंड्री, स्टैंडर्ड 5th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। नाउ वी डिस्कसिंग प्रैक्टिस टाइम। ओके, तो प्रैक्टिस टाइम, इसके पहले वाले वीडियो में हमने ऑलरेडी ए बी एंड सी देखा था। अब क्वेश्चन नंबर डी पर आते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर डी क्या बोल रहा है, अ स्क्वायर कैरमबोर्ड हैज अ पेरीमीटर ऑफ 320 सेंटीमीटर, How much is its area? क्या बोल रहा है? एक स्क्वायर कैरम बोर्ड हैज अ पेरीमीटर ऑफ 320 सेंटीमीटर। एक स्क्वायर कैरम बोर्ड है जिसका पेरीमीटर है 320 सेंटीमीटर। How much is its area? तो उसका एरिया कितना है? ओके, देन क्या करना है हमें? सबसे पहले उस स्क्वायर कैरम बोर्ड का जो पेरीमीटर है, उस पेरीमीटर के बीच में हम उसका लेंथ फाइंड आउट करेंगे, फिर उसके लेंथ के बीच में हम उसका एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो चलो, पेरीमीटर कितना है? पेरीमीटर इज 320 सेंटीमीटर। पेरीमीटर हमारा 320 है ना, 324 है। चेक कर लेते हैं हम, 320। ओके, पेरीमीटर कितना है? 320 सेंटीमीटर। तो देन क्या हमें पता है स्क्वायर कैरम बोर्ड है, तो स्क्वायर का पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? स्क्वायर के पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 4 × लेंथ। अब पेरीमीटर हमें ऑलरेडी दिया हुआ है 320 = 4 × लेंथ। तो लेंथ हमें फाइंड आउट करना है, तो लेंथ एज इट इज ही रहेगा और जो टोटल पेरीमीटर है उसको डिवाइड करेंगे 4 से, इज इक्वल टू लेंथ। तो लेंथ इज इक्वल टू 4 से 32 डिवाइड करो, 4 × 32, दैट मीन लेंथ कितना आ रहा है? 80 सेंटीमीटर। लेंथ कितना आ रहा है? 80 सेंटीमीटर। अब हमने लेंथ निकाल दिया, अब हमें स्क्वायर का एरिया निकालना है। तो स्क्वायर कैरम बोर्ड का एरिया निकालेंगे, तो स्क्वायर कैरम बोर्ड का एरिया क्या होगा? L × L, लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। लेंथ कितना है? 80 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 80 सेंटीमीटर, 3 × 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो स्क्वायर कैरम बोर्ड का क्या आ रहा है? 6400 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इजीली हम जो है उसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, आ रहा है समझ में आप सबको? तो आगे हम चेक करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर ई। क्वेश्चन नंबर ई क्या दिया है हमें प्रैक्टिस टाइम में, वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर डी समझ में आया है अच्छे से? क्या किया हमने? जो कैरम बोर्ड है, स्क्वायर कैरम बोर्ड दिया था, उसका पेरीमीटर दिया हुआ था, तो पेरीमीटर से सबसे पहले हमने लेंथ फाइंड आउट किया, फिर लेंथ फाइंड आउट करने के बाद क्या किया, उसके लेंथ के बेस पे हमने उसका एरिया फाइंड आउट किया। अब क्वेश्चन नंबर ई है, हाउ मेनी टाइल्स लाइक द ट्राइंगल गिवन हियर विल फिट इन द वाइट डिजाइन। ओके, एरिया ऑफ डिजाइन इज इक्वल टू ब्लैंक स्क्वायर सेंटीमीटर। यहाँ पे ट्राइंगल क्या है? दिस ट्राइंगल इज हाफ ऑफ द सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे सारी चीजें क्लू दी हुई है। क्या दिया है क्वेश्चन नंबर ई, हाउ मेनी टाइल्स लाइक द ट्राइंगल गिवन हियर विल फिट इन द वाइट डिजाइन। आपको एक वाइट डिजाइन दी हुई है, उस वाइट डिजाइन में कितने, ठीक है, हाउ मेनी टाइल्स लाइक द ट्राइंगल, ट्राइंगल की तरह कितने टाइल्स जो हैं वो फिट हो जाएंगे इस वाइट डिजाइन में, और एरिया ऑफ द डिजाइन, डिजाइन का एरिया भी हमें फाइंड आउट करना है। तो काउंट करो, देखो ये हमारा जो ये रहा ट्राइंगल टाइल, और इस ट्राइंगल टाइल का एरिया भी दिया है हाफ ऑफ द सेंटीमीटर, मतलब कि 1/2 सेंटीमीटर ये एरिया है। अब ये जो यहाँ पे है एक टाइल, 2, 3 and 4 टाइल्स ऐसे हो गए, देन इसे हम अगर दो पार्ट में डिवाइड करें तो ट्राइंगल हो जाता है, 1 ट्राइंगल 1 ट्राइंगल। देट मीन कि इस वाइट पोर्शन में कितने आएंगे? 2, सब जगह 1 1 और यहाँ पे 2। तो काउंट करो टोटल कितने ट्राइंगल हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 टोटल कितने ट्राइंगल यूज होंगे? 6 ट्राइंगल। तो हाउ मेनी टाइल्स लाइक द ट्राइंगल गिवन फिट इन द वाइट डिजाइन, 6 टाइल ऑफ ट्राइंगल, 6 टाइल ऑफ ट्राइंगल। कितने टाइल्स आएंगे ट्राइंगल के? 6 टाइल।
अब एक का हाफ है तो सिक्स का कितना हो जाएगा, तो सिक्स मल्टीप्लाई बाई हाफ दिया फॉर टू वन जा टू टू थ्री जा सिक्स थ्री सेंटीमीटर थ्री स्क्वायर सेंटीमीटर, तो एरिया ऑफ द डिजाइन इज थ्री स्क्वायर सेंटीमीटर। आ रहा है समझ में? ओके तो ऐसे ही क्या बोला है नीचे, मेक योर ऑन डिजाइन ऑफ एरिया फोर एंड सिक्स स्क्वायर सेंटीमीटर। तो आपको होमवर्क में आपका एरिया के अकॉर्डिंग यहाँ पे सिक्स में थ्री है तो दैट मीन एट एट होने चाहिए तो हमारा फोर हो जाएगा और टेन होंगे तो फाइव होगा, ट्वेल्व होंगे तो सिक्स होगा। तो वैसे ही आपको ये जो है ये होमवर्क में करना है, क्या मेक योर ऑन डिजाइन वाला, मेक योर ऑन डिजाइन ऑफ एरिया फोर एंड सिक्स सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर, ये आपको क्या करना है होमवर्क में करना है। आ रहा है समझ में? ठीक है अब आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर एफ। क्वेश्चन नंबर एफ क्या है, सानिया क्वेश्चन नंबर एफ क्या है, सानिया सॉरी सानिया आरुषि मानव एंड कबीर मैट ग्रीटिंग्स, जो सानिया मानव एंड आरुषि हैं वो क्या कर रहे हैं, ग्रीटिंग कार्ड मेडअप कर रहे हैं, कंप्लीट द टेबल फॉर देयर कार्ड्स। और हमें क्या करना है, ये टेबल जो हमें दिया हुआ है सानिया मानव आरुषि एंड कबीर का, उस टेबल को हमें कंप्लीट आउट करना है उनके कार्ड्स के लिए। ओके तो हुज कार्ड, देखो टेबल में क्या क्या दिया है, हुज कार्ड मतलब कि जिनके कार्ड हैं उनके नेम लिखे हुए हैं वहाँ पे। हुज कार्ड में क्या लिखा है, सानिया मानव आरुषि कबीर, तो ये सब क्या है नेम है जिनका कार्ड है। फिर लेंथ, लेंथ में क्या है, जो भी कार्ड मेडअप कर रहा है तो उस कार्ड का लेंथ क्या है एंड विड्थ क्या है, तो वो सारी चीज़ें दी है। तो सानिया की कार्ड की लेंथ दी है 10 सेंटीमीटर, मानव के कार्ड की लेंथ दी है 11 सेंटीमीटर, आरुषि का लेंथ ब्लैंक रखा है, कबीर का लेंथ ब्लैंक रखा है, दैट मीन कि वो हमें फाइंड आउट करना है। अब विड्थ, विड्थ दिया हुआ है, सानिया की विड्थ कितनी है 8 सेंटीमीटर, मानव की हमें फाइंड आउट करनी है, आरुषि की विड्थ कितनी है 8 सेंटीमीटर एंड कबीर की विड्थ हमें फाइंड आउट करनी है। दैट आफ्टर पेरीमीटर, पेरीमीटर के टेबल में ऑलरेडी दिया हुआ है, सानिया का पेरीमीटर ब्लैंक है दैट मीन कि वो हमें फाइंड आउट करना है, मानव का पेरीमीटर दिया हुआ है 44 सेंटीमीटर ओके एंड आरुषि का ब्लैंक है, कबीर का दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर, फिर सानिया का एरिया ब्लैंक है, मानव का एरिया ब्लैंक है, आरुषि का एरिया दिया हुआ है 80 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड कबीर का एरिया दिया हुआ है 100 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो इस बेस पे हमें ये जो टेबल है इसे कंप्लीट करना है। तो आपको एक आइडिया आ जाना चाहिए इससे कि जो भी ये कार्ड्स बना रहे हैं, ग्रीटिंग कार्ड्स बना रहे हैं, तो वो कैसे हैं, शेप कैसा है उनका, स्क्वायर है या रेक्टेंगल है, तो कौन सा शेप है रेक्टेंगल, कौन सा शेप है रेक्टेंगल, कैसे आइडेंटिफाई किया आपने रेक्टेंगल है, बिकॉज रेक्टेंगल शेप में ही टू क्वांटिटीज दी जाती है, कौन सी, फर्स्ट वन लेंथ सेकेंड वन वेट, फर्स्ट वन लेंथ एंड सेकेंड वन वेट, ये रेक्टेंगल में ही दिया जाता है। ओके तो रेक्टेंगल में लेंथ भी दिया है एंड वेट भी दिया है, और अगर स्क्वायर होगा तो ओनली लेंथ, तो दैट्स व्हाई इसमें हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है रेक्टेंगल का। तो इस सब को सॉल्व करने के लिए हम रेक्टेंगल के फॉर्मूले को यूज करेंगे, देन हम अप्लाई करते हैं वन बाय वन। ओके तो सबसे फर्स्ट में कौन है, फर्स्ट में है सान्या, सान्या मैडम ग्रीटिंग कार्ड, उस लेंथ, लेंथ कितना दिया है उसका, सानिया के कार्ड का लेंथ कितना दिया है हमें 10 सेंटीमीटर, और वेट कितना दिया है
8 सेंटीमीटर ओके लेंथ एंड वेट तो लेंथ हमें दिया है 10 सेंटीमीटर वेट दिया है हमें 8 सेंटीमीटर तो क्या करना है अब इसका पेरिमीटर फाइंड आउट करेंगे तो पेरिमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है 2 मल्टीप्लाई बाय l प्लस b 2 मल्टीप्लाई बाय l कितना है 10 b कितना है 8 देन 2 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 8 18 18 टू 36 तो पेरिमीटर कितना आया 36 अब क्या फाइंड आउट करेंगे हम उसका एरिया तो एरिया क्या होता है l इनटू b l कितना है हमारा 10 इनटू b कितना है 8 इज इक्वल टू 180 तो पेरिमीटर आया 36 सेंटीमीटर और एरिया आया 180 स्क्वायर 80 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आया एरिया 80 सेंटीमीटर स्क्वायर है और पेरिमीटर 36 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो देन इसमें क्या करेंगे 10 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर है तो पेरिमीटर हमारा आया 36 सेंटीमीटर टेबल में फिल कर दो और एरिया आया 80 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है समझ में तो इस वे में इजीली जो है हम यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं ये सारी चीजें ओके आ रहा है समझ में तो सेकंड आई थिंक आपको आ ही जाएगा पेरीमीटर दिया हुआ है लेंथ दिया हुआ है वेट आपको फाइंड आउट करना है तो इजीली वो फाइंड आउट कर सकते हो तो सेकंड वन जो है उसमें क्या होगा मानव का 11 सेंटीमीटर चलो सेकंड भी हम ट्राई करते हैं लेंथ हमें 11 दिया है और पेरिमीटर 44 दिया है क्या दिया है 44 ठीक है मानव सेकंड कौन बना रहा है मानव लेंथ 11 सेंटीमीटर और पेरिमीटर 44 सेंटीमीटर लेंथ और पेरिमीटर दिया हुआ है तो पेरिमीटर का फॉर्मूला लगाओ पेरिमीटर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय l प्लस b चलो 2 मल्टीप्लाई बाय l प्लस b तो पेरिमीटर कितना है हमें दिया हुआ है 44 इक्वल टू 2 इनटू l कितना है हमारा 11 प्लस b 44 इज इक्वल टू 11 का मल्टीप्लाई का मल्टीप्लिकेशन करो मैं 2 का मल्टीप्लिकेशन b में 22 प्लस 2b देन 44 माइनस 22 इज इक्वल टू 2b 22 is equal to 2b and b is equal to 11 तो ब्रेथ कितना आया हमारा वेट कितना आया 11 सेंटीमीटर 11 सेंटीमीटर अब एरिया के लिए क्या करेंगे एरिया के लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे एरिया इज इक्वल टू l into b 11 into 11 चलो 121 सेंटीमीटर स्क्वायर तो हमारा एरिया कितना आएगा 121 सेंटीमीटर स्क्वायर तो मानव ने जो ग्रीटिंग कार्ड बनाया उसका जो एरिया है वो कितना है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है समझ में तो इस वे में इजीली जो है आप क्वेश्चन को समझ सकते हो और उसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हो तो क्या देखा हमने पहले देखा सनाया कि सनाया जो है वो ग्रीटिंग कार्ड बना रही है तो उसका लेंथ एंड विड्थ दोनों दिया है तो वो हमारे लिए एकदम इजी हो गया क्योंकि लेंथ एंड विड्थ दोनों क्वांटिटीज हमें दी हुई है तो देन हम इजीली क्या करेंगे उसका पेरिमीटर फाइंड आउट करेंगे और लेंथ और विड्थ दिया है दैट मीन क्या है कि हमारा जो शेप है वो रेक्टेंगल है और जब शेप रेक्टेंगल है तो इजीली हम रेक्टेंगल पेरिमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और उससे हम इजीली फाइंड आउट करेंगे पेरिमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या है प्लस बी तो 2 मल्टीप्लाई बाय l प्लस b को अप्लाई करके फिर उसमें सनाया के जो है लेंथ एंड विड्थ को पुट किया और इजीली हमने पेरिमीटर फाइंड आउट किया और एरिया भी एरिया इज इक्वल टू l इनटू b तो अब सेकंड मानव के क्वेश्चन में क्या किया था लेंथ भी दिया है और पेरिमीटर दिया है बस विड्थ हटा दिया है तो देन पेरिमीटर का फार्मूला लगाया लेंथ हमने पुट कर दिया और पेरिमीटर की क्वांटिटी पुट कर दी इस वे में हमने विड्थ फाइंड आउट कर लिया और वेट फाइंड आउट करने के बाद एरिया का फॉर्मूला अप्लाई करके लेंथ एंड वेट का मल्टीप्लिकेशन करके इजीली हमने एरिया फाइंड आउट
कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 3 और 4 आप होमवर्क में ट्राई करना, ठीक है। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में मैं फिर बताऊंगा। ओके, थैंक यू।